तेजस्वी यादव के परिवर्तन यात्रा की खूब चर्चा शुरू हो गई है। आपको लग रहा होगा कि तेजस्वी यादव की इस परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य, जो कि एक बड़ा ही अलग तरह से जिसका कि काफ़ी चर्चा बिहार में हो रहा है, वो है बेरोजगारी, उसी को लेकर के है। भरत लाइव ने भी आपको दिखाया था कि किस तरह से युवा रोजगार को लेकर के चिंतित हैं और लगातार रोजगार को लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अब तेजस्वी यादव की इस यात्रा को लेकर के जहां एक तरफ विपक्ष उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है, वहीं सत्ता पक्ष में है, यानी नीतीश कुमार के खेमे से भी इस यात्रा को लेकर के तेजस्वी यादव की सराहना की गई और कहा गया है कि तेजस्वी यादव इस यात्रा में करने का हिम्मत किए, ये बहुत बड़ी बात है। अभी हम जो ज़रूरत है बिहार को, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रोज़गार की। बेरोजगारी को लेकर के तेजस्वी यादव के इस यात्रा से पहले कई तरह की बातें सामने आईं। बताया ये जा रहा था कि तेजस्वी यादव इसे चुनावी मुद्दा बनाने वाला, तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा था कि यदि उनकी सरकार आती है तो वो बेरोजगारी को सबसे प्राथमिकता में रखेंगे और बेरोजगारी दूर करने के जो भी उपाय उनसे संभव हैं वो सारे उपाय करेंगे। इन सब बातों को लेकर के जहां तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा की शुरुआत उस समय करने का खुलासा किया है या सोचा है जब विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, 23 तारीख को विधानसभा बजट से पहले तेजस्वी यादव अपनी यात्रा की शुरुआत पटना से करेंगे। रथ बन करके तैयार है और इस रथ को 23 तारीख को पटना के वेटनरी कॉलेज परिसर से शुरू किया जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और आपको बता दें कि रथ पर प्रदेश के पदाधिकारी के साथ साथ जिलों के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश पदाधिकारियों में पटना के साथ साथ आरा, जहानाबाद, नालंदा, अरवल एवं वैशाली के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक भी किया है और बैठक करके पूरी तरह से इस योजना को उन्होंने फाइनल रूपरेखा दे दिया है। अब आपको बता दें कि एक तरफ जहां विधानसभा का सत्र चल रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपनी रथ यात्रा लेकर बिहार की जनता के बीच में होंगे और खास करके युवाओं पर फोकस उनका बहुत तगड़ा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव खुद युवा हैं और एक युवा टीम का वो सिलेक्शन करके नीतीश कुमार को पटकनी देने का सोच रहे हैं। लगातार तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के संगठन पर भी अपना दबदबा बनाए हुए हैं और संगठन को अपने हिसाब से उन्होंने तैयार कर लिया है। इन सब के बाद अब देखने वाली ये बात होगी कि जहां एक तरफ 23 तारीख को तेजस्वी यादव रथ यात्रा पर निकल रहे हैं, वहीं 24 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और इस सत्र में जिस तरह से अमरनाथ गामी जैसे विधायकों ने तेजस्वी यादव के इस यात्रा को सराहा है और बताया है कि इस तरह का हिम्मत सरकार नहीं कर सकती क्योंकि सरकार के पास कोई योजना नहीं है, तो ऐसे में निश्चित रूप से एक स्टेप बहुत तो जरूर तेजस्वी यादव ने इस यात्रा के साथ प्राप्त कर लिया है। इस यात्रा का क्या फायदा होगा और कितना ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, कोशिश करेंगे या फिर कितना लाभ मिलता है चुनाव में, ये तो देखने वाली बात होगी। पर इतना तो निश्चित है कि बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठा करके कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने एक बड़ा सियासी दांव चल दिया है। आपको बता दें कि इसके पहले कई ऐसे बयान आए हैं, कई ऐसी बातें आई हैं जिसे तेजस्वी यादव ने और RJD ने साझा किया है। आपको बता दें कि एक बयान ऐसा आया था कि एक पिता से उसके परिवार के लोगों ने कहा था कि पुत्री है उसकी शादी के लिए जमीन बचा करके रखी है और इस ज़मीन का अगर कोई व्यवस्था नहीं होता है शादी में खर्च करने के लिए तो ज़मीन को बेच करके और शादी का खर्च निकाल लिया जाएगा। पर पिता ने ये सोचा कि अभी पुत्री की शादी में देर है, अगर इस पैसे को या ज़मीन को बेच करके पैसा जो आएगा उससे अपने दो बच्चों को पढ़ा दें तो वो नौकरी करके इतने पैसे ज़रूर कमा सकते हैं जिससे कि वो अपनी बहन की शादी कर लेंगे। पर उन्होंने ये जो फैसला किया था वो फैसला आज उनको भारी पड़ रहा है क्योंकि बच्चे तो पढ़ गए और अच्छी शिक्षा भी प्राप्त कर ली पर उन्हें अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है और ये सबसे बड़ा सदमा है। इसी तरह के और भी कई ऐसी वाक्यात हैं जो लोगों ने शेयर किया है और इसे तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे अपने वाल पे या फेसबुक पे कहा जाए तो साझा किया है। आपको बता दें कि एक और ऐसा ही वाक्या है जिसमें एक बच्चा पढ़ लिख करके घर में बैठा हुआ है और
कर्जदार उसके दरवाजे पर आकर के जो बच्चों को पढ़ाई के लिए कर्ज लिया था उस कर्ज को चुकता नहीं करने से कर्जदार उसके दरवाजे पर खड़े आते हैं। बार बार वो बच्चा इस बात को लेकर के ग्लानी महसूस करता है कि मेरी पढ़ाई में खर्च किए गए वो पैसे जिसके लिए कर्जदार हमारे दरवाजे पर आ रहे हैं मैं नहीं चुका पा रहा हूँ या मेरे पिता नहीं चुका पा रहे हैं, उसे इस बात को लेकर के खुद से ज़्यादा सरकार पर ग्लानी होती है। और 15 सालों में जब ये सरकार एक अदना सा रोज़गार पैदा नहीं कर पाई तो अब ये सरकार क्या करेगी। 15 साल का वक्त बहुत बड़ा वक्त होता है और इसे लेकर के तेजस्वी यादव ने इस प्रसंग को भी अपने वाल पर साझा किया है। अब 23 तारीख से जिस तरह से यात्रा पर निकल रहे हैं तेजस्वी यादव और विपक्ष का निश्चित रूप से उन्हें समर्थन प्राप्त होगा और जमकर होगा, अब तो सत्ता में बैठे लोग भी उनका समर्थन करने लगे हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए चिंता जरूर पैदा होने वाला है। देखने वाली बात होगी कि इसका कितना फायदा तेजस्वी यादव उठा पाते हैं या जनता को किस समझाने में कितना सफल होते हैं। खबरों का सिलसिला भारत लाइव पर लगातार जारी है, जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।